सिकरीगंज और बेलघाट पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बस्ती की लालगंज और संतकबीर नगर की धनघटा पुलिस पर हमला कर भाग रहे पशु तस्करों ने शनिवार की रात गोरखपुर इलाके में भी खूब आतंक मचाया। एक व्यक्ति की कार पर पथराव कर दिया। घेराबंदी कर रही पुलिस टीम पर पथराव के साथ फायरिंग की। पुलिस की 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बाइक सवार पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। बस्ती के लालगंज और संतकबीर नगर धनघटा पुलिस को घायल कर गोरखपुर में आने के पश्चात सिकरीगंज और बेलघाट पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 7 पशु तस्करों को धर दबोचा। आपको बता दें कि उक्त तस्कर बचने के लिए एक गांव में घुसे। 4 तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई करने के बाद सिकरीगंज पुलिस को सौंप दिया। वहीं 3 तस्कर ने कुआनो नदी में कूदकर उस पार भागने का प्रयास किया, जिसे बेलघाट पुलिस ने दबोच लिया। सभी तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं इस घटना का खुलासा करते हुए CO खजनी योगेंद्र नारायण कृष्ण ने की बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र से पशु तस्करों ने शनिवार की रात में भैंस और पड़िया चुरा लिया था। वे उन्हें बेचने के लिए निकले थे कि इसकी खबर लालगंज पुलिस को मिल गई। पुलिस ने उनका पीछा शुरू किया तो पुलिस वालों पर ईंट पत्थर के साथ ही राड से हमला कर भागने में तस्कर कामयाब हो गए। उनके हमले से लालगंज थाने का एक सिपाही घायल हो गया। लालगंज पुलिस ने संतकबीर नगर जिले के धनघटा थाने की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां की पुलिस भी तस्करों के पीछे लग गई। पीछा कर रही पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने पट्टे से में लगी कील को पुलिस की गाड़ी के आगे फेंक दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और पशु तस्कर वहां से बचकर भाग निकले। धनघटा के बुजुर्गवार दुबौली निवासी रामाशीष की भैंस और खलील का गैस सिलेंडर को चोरी कर तस्करों ने पिकअप पर लाद लिया। पीछा करने पर तस्करों ने एक गांव के प्रधान की कार पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान सिकरीगंज के बाइक PRV दस्ता के पुलिसकर्मी अरविंद तिवारी और राकेश यादव ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें कुचलने का प्रयास किया। तस्कर इसके बाद बांसगांव इलाके में घुस गए। सूचना पर बांसगांव थानेदार भी पीछा करने लगे। घबराए तस्करों ने पथराव कर SO बांसगांव की गाड़ी और थाने के PRV गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तस्कर फायरिंग करते हुए उरवा होते हुए सिकरीगंज की ओर आए। जैसे ही सिकरीगंज की सीमा में घुसे तो वहां पुलिस की गाड़ी पंचर करने वाला पट्टा बिछा कर इंतजार कर रही थी। पट्टे पर पिकअप चढ़ने से पहिया पंचर हो गया। पंचर होने के बावजूद पिकअप लेकर तस्कर भागने लगे। पुलिस उनका पीछा करने लगी। उधर बेलघाट पुलिस ने भी सुपाई घाट पुल के पास एक ट्रक खड़ा कर तस्करों की घेराबंदी कर दी थी। खुद को चारों ओर से घिरता देख तस्कर सिकरीगंज के रोहारी गांव में घुस गए और वहां वो रास्ता भटक गए। वे गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने 4 तस्करों को पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं 3 तस्कर कुआनो नदी में कूद कर उस पार जाने लगे, जिन्हें बेलघाट पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए सभी तस्कर आजमगढ़ के हैं, जिनमें सकतपुर निवासी शहनवाज, जगदीशपुर निवासी अंकुर यादव, नियोज निवासी मोहम्मद वाकिफ, सरायमीर निवासी आदिल, मड़िया पार निवासी तबरेज आलम, फूलपुर निवासी राशिद और फैजान शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO खजनी योगेंद्र नारायण कृष्ण ने कहा, बस्ती संतकबीर नगर और गोरखपुर में घटना कारित करने वाले, पुलिस मुजम्मत करने वाले, पीआरबी की गाड़ियों पे हमला करने वाले शातिर पशु तस्करों के गिरोहों को जनपद की सिकरीगंज थाना और बेलघाट के थाना की कंबाइंड फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 पशु तस्कर साथ में पशु और गाड़ी और उसके अलावा उनके साथ तमंचे, लोहे की राड, ईंट और पत्थर, चाकू आदि भी बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में आपको सही समय पर बताया जाएगा।